डॉल्फिन्स स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के प्यारे प्यारे बच्चों, इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अपन जो है समझने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ का लेसन नंबर फर्स्ट। तो आप यदि आपके पास बुक है वो वैसे अवेलेबल करवा दी जाएगी आपको, और पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास बुक है जिसका एप्लीकेशन है उनको आप देखिए। मैथमेटिक्स लेसन नंबर फर्स्ट आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। अगर आपके पास ईयरफोन है तो ईयरफोन ब्लूटूथ से ईयरफोन कनेक्ट कीजिए और उसके बाद सुनिए, आपको बहुत अच्छा सुनाई देगा और कंसंट्रेशन भी रहेगा। हाँ तो बच्चों, ये आपके क्लास फिफ्थ लेसन नंबर फर्स्ट जिसका नाम है नंबर्स, इसका जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो ये है, राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग। कहने का मतलब ये है कि जो ये जो लेसन नंबर फर्स्ट है ये आपके क्लास फोर्थ का रिवाइज है, यानी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जो नंबर्स के बारे में कि आपको समझना आना चाहिए, कि नंबर्स को बोलना आना चाहिए, वर्ड्स में लिखना आना चाहिए। तो ये सारा आप तो इसके अंदर सीखेंगे। क्लास फोर्थ का ही रिवाइज है, कोई खास बात नहीं है, बहुत ईजी है, इंटरेस्टिंग है। राइट द नंबर्स फॉर द फॉलोइंग, यानी ये जो वर्ड लिखा हुआ है 1600, इसका नंबर्स लिखना है, नंबर फॉर्म में लिखना है इसको। किस फॉर्म में लिखना बच्चों? नंबर फॉर्म में। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। देखो बच्चों, एक ऐसी टेबल बना लेना जैसी मैं बना रहा हूं। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और 10,000। वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000। उसके आगे नहीं जाना है, जिस लेख और टेन लेख भी होता है, बट आपकी जो फिफ्थ क्लास है उसमें यहां तक ही आएगा, अर्थात 1, 2, 3, 4, 5, 5 डिजिट में लिखना ही है, 5 डिजिट वाले नंबर्स ही आएंगे। देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, 1000। बच्चों 1000 किसमें बढ़ना है, 10,000 और 1000 में। 1000 है तो यहाँ पे 0 1 लगा देना है। अगर यह 10,000 होता तो 1 0 10 लगा देता, अगर यह 20 होता तो इसमें 20 लिख देता, यानी जो थाउजेंड वाला कॉलम है उसमें लिख देना है। 1000 को लिखेंगे 0 1, अगर 2000 आ जाता तो लिख देते 0 2, 3000 में 03, 4000 में 04, 5000 में 05, 8000 में 08, 9000 में 09, और अगर 10,000 आता तो 10 लिख देता मैं, 10, 11,000 आता तो 11 लिख देता। तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए आप 600, ये 100 है ना, तो 6, तो 100 के आगे 6 लिख देना है और उसके आगे कुछ नहीं है तो ये 00 कर दो। अब देखो बेटा इसको क्या आ जाएगा, ये 1600, ये आपके आंसर बेटा। इसको ऐसे पढ़ेंगे, वंस, टेंस, थाउजेंड, 10,000, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, अर्थात 1600। अब इसको और देखते हैं, 5000 एंड 42, इसका क्या करेंगे बेटा, ये कॉलम बनाया, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड और ये 10,000। जैसा मैंने आपको बताया था 5000, 5000 को कैसे लिखेंगे बेटा, 0 5 एंड 42। अब 100 का नाम नहीं आया ना, तो इस 100 में 0 लिख देंगे और 42 है तो इसको लिखेंगे 42। इसका मतलब ये हो गया, इसको ये लिख सकते हैं 5042, 1100 कॉमा आ जाएगा, यानी 5042। जो इसी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का एक थर्ड मैं और समझा रहा हूं आपको मैं, 80,986। इसका जैसा बच्चों मैंने पहले बताया था, इसके से 5 ब्लॉक बना लो, वंस, टेंस, हंड्रेड,
थाउजेंड और 10,000। अब इसमें देखिए 80,000 कैसे लिखेंगे, 80,000 में बताया था आपको थाउजेंड 10,000 में लिखेंगे 80,000। 900 तो इस क्या गया 9 लिख देंगे 900। 86 ये 86 ये आपके 80,000 986 आ गया। तो बच्चों उम्मीद है ये जो नंबर्स हैं जिनको लिखना आपने सीखा होगा। आपको ये करना है कि आपको बुक लेनी है, नोटबुक लेनी है और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ वापस इसका रिवाइज करना है और रिवाइज करके जो नोटबुक जिस नोटबुक में आपने रिवीजन किया है उस नोटबुक की एक पिक लेनी है और व्हाट्सएप पे जो तुम्हारे क्लास फिफ्थ का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है उस पर आपको डेली उस पर अपलोड कर देनी है, उस पिक को उस व्हाट्सएप ग्रुप पे देख सेंड कर देनी है ताकि हम देख लेंगे कि आपने इसमें क्या किया है। अगर कोई मिस्टेक हुई है आपसे तो हम बता देंगे आपको या फिर मैं खुद पर्सनली कॉल कर दूंगा आपको कि बेटा यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। और आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम्स आए निसंकोच निसंदेह आप पूछिए, हम आपके लिए ही यहाँ पे उपस्थित हैं और बहुत अच्छी सुविधा अपने डायरेक्टर सर ने की हुई है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा हो सके जितना हो सके उतना आप लाभ उठाएं। बच्चों तो लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी ये है, राइट द वर्ड होम ऑफ द फॉलोइंग, यानी ये जो नंबर्स हैं इनको वर्ड में कन्वर्ट करना। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया उसमें था वर्ड थे उसको नंबर में कन्वर्ट करना, अब आपके इसका उल्टा आ रहा है कि जो नंबर्स हैं उनको वर्ड में कन्वर्ट करना है। तो देखिए नॉर्मल जो नॉर्मली अपन ये ऐसे समझते हैं इसको वर्ड्स में कन्वर्ट करने का एक सबसे बढ़िया तरीका बता रहा हूँ और अगर पेरेंट्स देख रहे हो इस वीडियो को तो आपको भी पता ही होगा कि अपन कैसे इसको सेट करते हैं। जैसे वंस टेंस हंड्रेड यहाँ कोमा लगाइए, थाउजेंड टेन थाउजेंड ये कर लीजिए आप, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। एक बार वापस देख लीजिए, वंस टेंस हंड्रेड कोमा लगा दिया और उसके आगे थाउजेंड टेन थाउजेंड। अब इसको आप पढ़िए नॉर्मली, पहले इसको पढ़ेंगे 24,000 या कुछ नहीं है तो 100 वाला नहीं रहेगा 56। एक बार और देखिए 24,000 56 आप चाहे तो बीच में एंड लगा दीजिए 24,000 एंड 56 ये आपके वर्ड फॉर्म में सेट हो गया। अच्छा इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके इसके अंदर दिया हुआ है 40009। देखिए बच्चों इसको कैसे नंबर में सेट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया कल ये वही करना है, वंस टेंस हंड्रेड ये कोमा लगा दीजिए यहाँ पे, वंस टेंस हंड्रेड कोमा लगा दीजिए। अब इसको रीड कीजिए देखिए क्या है 40,009 ओनली, क्या लिखेंगे 40,000 एंड 9, 40,000 एंड 9 हो जाएगा ये। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए आप इसी का सेकंड का थर्ड इसके अंदर ये दिया हुआ है 9,999,999 ये दिया हुआ है। बच्चों वही करना है जो आपको करना है, ये मैं ओरली समझा देता हूँ आप इसको समझ लेना। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड कैसे पढ़ेंगे बच्चों, पढ़ो मन में पढ़ो देखो 99,000 999 वापस देखो 99,000 999 इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके दिया हुआ है 80511 इसमें क्या करेंगे बच्चों वही तरीका है जो मैं इसमें बार बार समझा रहा हूँ वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड टेन थाउजेंड। बच्चों देखो पढ़ो इसको और मोस्टली अधिकतर ने पढ़ ही लिया होगा, देखिए 80,511 आप चाहे तो ऐसे भी बोल सकते हैं 80,511
ये आपको बच्चों, ये जो आपकी जो होमवर्क वाली जो नोटबुक है, मेंस में आप जो होमवर्क वाली नोटबुक है एक बना लेना। सीडब्ल्यू बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि सीडब्ल्यू तो यही रही आपके यूट्यूब पे जो वीडियोस हैं वही आपके लिए सीडब्ल्यू है। पर एचडब्ल्यू की जो नोटबुक है आप वो बना लेना, और वो जो बनाएंगे कम से कम आप ये समझ लीजिए 200 पेज की बननी चाहिए। और बड़ी नोटबुक बनाना, छोटी नोटबुक मत बनाना। अगर पेरेंट्स भी सुन रहे हो तो मैं बता देना चाहता हूँ, मैथ्स में बहुत सारा वर्क मिलता है, बहुत सारी प्रैक्टिस होती है। और यदि मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप विश्वास मानिए, कम से कम साल में जो वर्ष पर दिन का जो पूरा सेमेस्टर रहता है उसके अंदर कम से कम 3 बार कोर्स करवाने की तो मेरी खुद की जिम्मेदारी है। मैं खुद उपस्थित रहकर इनका कोर्स 3 बार करवाऊंगा। अच्छा, 3 बार मैंने कोर्स करवाया है तो बच्चे भी घर जाके वापस उनका होमवर्क भी मिलेगा, देखना पड़ेगा। इट मीन्स ये समझ लो कि 4 और 5 टाइम्स बच्चे वापस उनका रिविजन करेंगे। तो नोटबुक जो है वो बड़ी बनेगी और 200 पेज की बनेगी। आप कहेंगे अगर छोटी बना दे तो 100 पेज की, डजेंट मैटर। छोटे छोटे बच्चे हैं, नोटबुक खो भी देते हैं। नोटबुक जो बैग में रहेगी मोस्टली वो तो नहीं खोएगी, परंतु जैसे 100 पेज की बनाई महीने भर में भर जाएगी वो। तो उसके बाद बच्चे क्या करेंगे, उसको साइड में रख देंगे। साइड में रखी है तो हो सकता है खो जाए, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि 200 पेज की नोटबुक बना लेना। और यकीन मानिए ये 200 पेज की नोटबुक मुझे लग रहा है मैथ्स में साल में 3 बार बनानी पड़ेगी आपको। तो ये तो आप जरूर करिए। ये आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उम्मीद है समझ में आया होगा। और इसको भी आपको होमवर्क की नोटबुक में हर एक क्वेश्चन को, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। ऐसा नहीं कि इसको समझ लिया तो बाकी इनको कर लो, सारे के सारे आप होमवर्क वाली नोटबुक में करेंगे और व्हाट्सएप वाले ग्रुप के अंदर आप सेंड करेंगे कि आपने क्या किया है। और अच्छी हैंडराइटिंग में करना है, व्यवस्थित तरीके से करना है। हाँ, तो बच्चों अब अपन लेते हैं लेसन नंबर फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। जैसा कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आपने पढ़ा है वर्ड्स को नंबर में चेंज करना, सेकंड में पढ़ा है नंबर्स को वर्ड्स में चेंज करना। अब अपन पढ़ेंगे एक्सपेंड फॉर्म। अब क्या होता है ये एक्सपेंड फॉर्म, जो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, राइट द एक्सपेंड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। एक क्वेश्चन का एक्सपेंड फॉर्म देखना है हमें। जैसे बच्चों अपन बोलते हैं ना 12,372, अब इसका एक्सपेंड फॉर्म क्या होता है, जो देखिए आपने क्लास फोर्थ या थर्ड में प्लेस वैल्यू देखी होगी, प्लेस वैल्यू के बारे में आपने समझा होगा। जैसे वन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, ये वन कहाँ उपस्थित है उसको देखा जाता है। वन स्पेंस 100,000, 10,000, तो वन की प्लेस वैल्यू हो गई 10,000, ये वन की प्लेस वैल्यू हो गई। अच्छा, टू की प्लेस वैल्यू क्या है, वन स्पेंस 100,000, 2,000। थ्री की प्लेस वैल्यू क्या है, वन स्टेंस 100, 300। सेवन की प्लेस वैल्यू वन स्टेंस 10 यानी 70, और टू की प्लेस वैल्यू टू। इसको बोलते हैं एक्सपेंड फॉर्म, इसका एक्सपेंड फॉर्म हो गया ये। अब एक बार और देख लीजिए एक्सपेंड कैसे करते हैं इसको। एक्सपेंड बहुत सिंपल, जो बताता हूँ मैं बच्चों को, ये वन इसके आगे जीरो, कितने डिजिट हैं गिन लीजिए, 1, 2, 3, 4, तो 1, 2, 3, 4 प्लस। अच्छा, टू, टू के आगे कितने डिजिट ही काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, उतने जीरो लगा लीजिए। अच्छा, थ्री के आगे क्या है, जो देखिए 1, 2, 1, 2। अच्छा, सेवन के आगे क्या है, 1, तो 1, 0 आ जाएगा, और 2 का ये 2। इसको एक्सपेंड फॉर्म में बोलते हैं। और एक्सपेंड फॉर्म में जितने भी ये आपके लिखे हुए हैं नंबर्स, उनको अगर सबको आप प्लस करेंगे तो ये आएगा। आंसर यहाँ तक आ गया है, पर मैं आपको एक बार ये करके बता रहा हूँ ताकि और अच्छा रहे। गौर किया होगा आपने, जैसा मैंने लिखा है मैंने इधर से स्टार्ट किया है, प्लस करते हैं तो अपन इधर से ही स्टार्ट करते हैं। ये मिस्टेक बच्चों से रह जाती है, ये मिस्टेक्स कैसे कि ये 10,000 लिखा है, अब बच्चे को उल्टा सिखाया जाता है। जैसे 2,000 लिखना है तो बच्चे को ये ऐसे सिखाया जाता है।
बहुत गलत तरीका है ये, क्योंकि जब आप प्लस करते हैं तो जो लिखते हैं उसका तरीका ये रहता है कि ये वर्ड यहाँ है। बच्चों को ये आदत डल गई है, ये सही तरीका है। जब अपन प्लस करते हैं, अब इनको आप प्लस कर लीजिए, देखिए ये देख लीजिए, देखिए बच्चों ये इसकी एक्सपेंड फॉर्म है, और जब इन सबको प्लस किया जाता है तो ये आता है। आपको ये करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैंने केवल समझाया है कि आपको एक्सपेंड फॉर्म में ये आएगा। आपको केवल एक्सपेंड फॉर्म लिखनी है, क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा कि मैं समझा रहा हूँ आपको, इसका है 23434। वंस टेन्स हंड्रेड कॉमा थाउजेंड टेन थाउजेंड, इट मीन्स आप इसको पढ़ो एक बार अच्छी तरह प्रैक्टिस होगी। 23432, अब इसकी एक्सपेंड फॉर्म करनी है। बच्चों आपको समझ में आया होगा कैसे करेंगे, पहले इस टू को लिखेंगे, टू क्या है कितने डिजिट है काउंट करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस। बच्चों तीन लिखेंगे, तीन क्या है कितने डिजिट है, 1 2 3 प्लस। फिर अपन लिखेंगे 4, 4 क्या के कितने डिजिट है, 2। उसके बाद अपन लिखेंगे 3, उसके आगे एक डिजिट है, उसके बाद अपन लिखेंगे 2। ये इसकी एक्सपेक्ट फॉर्म। अच्छा इसके जो आगे जो क्वेश्चन है वो मैं आपको दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 45302। नंबर फोर, फोर है आपके 75,004, और इसका क्वेश्चन नंबर 68,877। देखिए बच्चों जैसा मैंने आपको बताया है, ये जो एक्सपेंड फॉर्म है आपको इन तीनों को भी वैसे ही लिखना है। कुछ प्रॉब्लम्स आए तो वापस आप कंसल्ट कर लीजिएगा मेरे से, लिख के भेज दीजिएगा, सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। मैं बहुत बहुत खुश होऊंगा जब आप ये क्वेश्चंस जो है आप कहेंगे कि सर मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज समझिए, उस वक्त मुझे बहुत खुशी होगी। और मेरा जो यहाँ जो पढ़ाना है वो उस वक्त मेरा समझ सब मैं समझूंगा कि ये पढ़ाना सार्थक है, क्योंकि जब आप पढ़ेंगे तभी तो आपके प्रॉब्लम आएगी। जो बच्चे पढ़ते ही नहीं उनको क्या प्रॉब्लम आ सकती है, वो तो आएगी नहीं प्रॉब्लम। तो जो प्रॉब्लम्स आ रहे आप पूछे कीजिए, मुझे बहुत खुशी होगी और 100% उसका रिप्लाई जरूर दूंगा मैं। कर दिया तो बच्चों इसी का अपन जो लेसन नंबर फर्स्ट है उसका क्वेश्चन नंबर फोर अपन ले रहे हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपने सीखा था एक्सपेंड फॉर्म में लिखना, अब ये जो है एक्सपेंडिचर फॉर्म में है, ये एक्सपेंड फॉर्म में है, इसको अपन न्यूमरल फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे तो देखिए, इसके आगे एक जीरो रहेगा, 40,000 5,772। अब इसको करेंगे क्या, जो देखिए आप चाहें तो इसको न्यूमरल फॉर्म में लिखने के लिए ये सब कॉलम बना सकते हैं, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और ये 10,000। वंस में इसको लिखेंगे वंस टेंस, सेवन यहां आएगा, वंस टेंस हंड्रेड ये वाला सेवन यहां आएगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड ये वाला फाइव यहां आएगा, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000 ये फोर यहां आएगा। इट मींस इसको अपन ऐसा लिख देंगे, 45772 वंस टेंस हंड्रेड कॉमा 45,772, ये आपके न्यूमरल फॉर्म है। अगर ऐसा अगर आपको हालांकि समझ में आ जाएगा पर फिर भी अगर ऐसा नहीं है तो एक तरीका और है, इन सबको आप प्लस कर लीजिए जैसे पहले मैंने आपको समझाया था। इसको ये तो भी आ जाता है न्यूमरल फॉर्म में, बहुत सिंपल है, देखिए आप ये देखिए बच्चों।
रफ पेज पे जाना है, इन सबको आपको प्लस कर देना है, ये आपके न्यूमेरिक फॉर्म बन जाएगी। और इस फॉर्म में लिखें, अगर ऐसा करके लिखेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा आपके लिए ही है। बट बता रहा हूँ कि कहीं आप एग्जाम में चूक जाए, यानी कैसे लिखते हैं, तो ये प्लस लगाओ ना बीच में बच्चों, देखिए प्लस लगाओ, सबको प्लस कर लीजिए, आपके आंसर आ जाएगा, बहुत सिंपल है ये तो, है ना बच्चों। इसका एक क्वेश्चन और लेता हूँ, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको, एक क्वेश्चन में और ले लेता हूँ, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। मैं ले लेता हूँ इसी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ का, फिफ्थ वाला ले लेता हूँ बच्चों में, जैसे इसके अंदर है 80,000 है, प्लस 000 आ रहा है, प्लस 40 है, प्लस 30 है, प्लस 20 है, प्लस 8 है, बच्चों इनको भी आप प्लस करेंगे तो आ जाएगा, विगतों का प्लस करके ये कॉलम वाला बना के बता देता हूँ मैं, ये सा देखिए बच्चों, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और 10,000। देखिए बच्चों ये वंस यहां आएगा, वंस में वंस टेंस देखिए जीरो, ये टेंस, वंस टेंस हंड्रेड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड 10,000, इसको आप ये लिखेंगे। अब आप कहेंगे एक बार प्लस करके बताइए सर, ठीक है देखिए, इसको लिखना ही नहीं है, इसको लिखना ही नहीं, इसको एक को लिखना चाहिए, ये बच्चों आपके ये आंसर आ गए बच्चों। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ में आया होगा, जो ये जो एक्सपेंडिचर फॉर्म है, एक्सपेंड फॉर्म है, उसको आप न्यूमरल फॉर्म में समझना तो बहुत ईजी है, यानी लेसन नंबर फर्स्ट के अपने पास चार क्वेश्चन हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो वर्ड था उसको नंबर्स में लिखना, क्वेश्चन नंबर सेकंड नंबर्स था उनकी वर्डिंग बनाना, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो एक्सपेंड फॉर्म था उसका नंबर्स लिखना, और क्वेश्चन नंबर फोर जो नंबर्स हैं उनको एक्सपेंडिचर फॉर्म, जो एक्सपेंडिचर फॉर्म है उसको नंबर्स में लिखना। देखिए बच्चों आपके जो बुक है फिफ्थ क्लास की वो मैं बता देता हूँ आपके, ये देखिए बच्चों ये आपके बुक है जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं क्लास फिफ्थ की है, ये आरबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग है, इसमें लेसन नंबर फर्स्ट है आपके, देखिए बच्चों ये आपके इंडेक्स है पूरी, ये देखिए बच्चों आपके इंडेक्स है, फर्स्ट है नंबर्स, सेकंड एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन वैदिक मैथमेटिक्स मल्टीपल्स फैक्टर्स अंडरस्टैंडिंग फैक्टर्स, ऐसे करके टोटल 17 लेसन हैं, कुल 17 लेसन हैं, और बहुत इजी इजी लेसन हैं। आप यकीन मानिए बच्चों ये जो आपके लेसन फर्स्ट है उसमें टोटल देखिए बच्चों ये 10 क्वेश्चन इसमें दिए हैं, देखिए बच्चों इसमें से चार क्वेश्चन अभी हो चुके हैं आपके, और मुझे लगता है नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है क्वेश्चन। हाँ तो बच्चों अब अपन इसी लेसन फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सीखने जा रहे हैं, प्लेस वैल्यू के बारे में समझने जा रहे हैं। देखिए गिव द प्लेस वैल्यू, यानी कि प्लेस वैल्यू दीजिए किसकी, फॉर द इन सर्कल, ये जो सर्कल बना है इसकी प्लेस वैल्यू देनी, डिजिट्स इन द फॉलोइंग। अब सबसे पहले तो आपको प्लेस वैल्यू निकालना सिखा देता हूँ, ये बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे एक नंबर लिखा मैंने 5, 6, 7, 8, 9, हर एक की प्लेस वैल्यू होती है, प्लेस वैल्यू वो कौन सी जगह पर उपस्थित है, वो जो डिजिट है, देखिए ये पूरा ये पूरा वर्ड ये तो पूरा नंबर कहलाता है, ये डिजिट्स हैं, जैसे 5 एक डिजिट है, 6 एक डिजिट है, 7 एक डिजिट है, 8 एक डिजिट है, और 9 एक डिजिट है। थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों, अगर मैं आपको ये 9 कहां स्थित है बताइए, ये वंस नंबर पर स्थित है, वंस प्लेस पर स्थित है, ये कहां पर है टेंस पर, ये कहां पर है हंड्रेड पर, ये कहां पर है थाउजेंड पर, ये कहां पर है 10,000 पर। अगर आप इसकी जो इंडेक्स बनाते हैं तो वो ऐसे बनेगी, वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड और 10,000, वंस में 9 आएगा, टेंस पे 8 आएगा, हंड्रेड 7, थाउजेंड पे 6 आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अगर मैं आपको कहूँ कि 5 की प्लेस वैल्यू बताइए,
ये रहा ना 5 की 10,000 पे, तो 5 लगाए तो उसके आगे जीरो लगा देना है, मान लो ये 5 की प्लेस वैल्यू हो गई। अच्छा मैं कौन 6 की प्लेस वैल्यू बताइए, 6 लिख के 1 2 3 ये 6,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अच्छा मैं कौन 8 की प्लेस वैल्यू बताइए तो उसके आगे, और 9 की प्लेस वैल्यू, 9 इनको बोलते हैं प्लेस वैल्यू। देखिए इसके अंदर जैसे कि इस 5 की प्लेस वैल्यू देखनी है, बहुत इजी, यहाँ है तो यहाँ 5, उसके आगे कितने डिजिट है काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4 ये आपकी प्लेस वैल्यू आ गई बेटा, यानी 5 इसकी प्लेस वैल्यू है 50,000, क्योंकि ये 10,000 वाले प्लेस पर स्थित है। अब देखिए इसके अंदर 3 की प्लेस वैल्यू देखनी है, तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, 3 लिख के 1 2 3 क्या आपकी इसकी प्लेस वैल्यू है। तो बच्चों इसमें कुल 5-6 क्वेश्चन है प्लेस वैल्यू के, उम्मीद है ये प्लेस वैल्यू आपको समझ में आई होगी। तो आज बच्चों मैं यहाँ तक आपके स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट जब भी मेरा वीडियो आएगा फिर क्लास में, तो उसमें मैं ग्रुप में जरूर ग्रुप में डाल देंगे, आप उसको देख लेना, तब तक आप इनका रिवाइज कीजिए और इसका होमवर्क करके जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ग्रुप में डालिए।